पंजाब ट्रेन हादसे को लेकर योगी जी के मंत्री का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वहां की कांग्रेस सरकार मदहोश पड़ी है, घटनास्थल से नेता और मंत्री भाग गए, वहां जाना तो दूर की बात। योगी जी के मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि एक बड़ा हादसा हुआ है, दुखदई हादसा है, लेकिन वहां की सरकार को कोई होश नहीं है, किसी मंत्री को होश नहीं है। कोई नेता कोई मंत्री जो घटना के समय गया हो, जो थे वो भी वहां से भाग गए। मंत्री बोले, हमारे पीएम मोदी जी ने वहां के हादसे की चिंता जाहिर की है। रेल मंत्री ने अमेरिका का दौरा रद्द कर दिया, ये दर्शाता है कि जनता की चिंता करने वाला कौन है। कांग्रेस को होश ही नहीं, मदहोश पड़ी है कांग्रेस। वहां 60 लोग मर गए हैं, वहां सरकार ने कोई चिंता नहीं, ये एक शर्मनाक बात है। क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत बड़ा हादसा है, बड़ा हादसा और दुखदाई हादसा है, और ये ऐसे समय हुआ जहाँ पे एक त्योहार रावण के वध के उसमें दशहरे के उसमें ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। और मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि वहाँ की सरकार, उसे कोई होश नहीं है, किसी मंत्री को होश नहीं है कि घटना के समय जहाँ कोई गया, कोई वहाँ का नेता उस सरकार का, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे वो मंत्री हो, और जो थे भी वो भी भाग गए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ के हादसे की चिंता करी, हमारे जो रेल मंत्री हैं उन्होंने अमेरिका का दौरा छोड़कर वो वहाँ पर अमृतसर जा रहे हैं, राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी रात ही वहाँ पर निकल गए हैं। तो ये दर्शाता है कि कौन जनता के लिए सजग है और कौन चिंता करने वाला है। ये आपके सामने आप देख रहे हो कि कांग्रेस को होश ही नहीं, मदहोश पड़ी है, जहाँ पर इतनी बड़ी 60 लोग मर गए हो और कई 100 लोग घायल हो गए हो, और वहाँ तो सारा कुछ छोड़ के वहाँ पे उनके हॉस्पिटलाइज है, कहीं लेने का है, कहीं जाने का है, उनके मल्लम पट्टी का है, उनके रिश्तेदारों को